बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के काफिले में शामिल एक पायलट गाड़ी के पलटने से एक प्रधान आरक्षक की मौत हो गई। दुर्घटना देर रात की बताई जा रही है। पुलिस की माने तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव अंबिकापुर में आयोजित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए बिलासपुर से अंबिकापुर आ रहे थे, तभी अचानक उनके काफिले में शामिल एक वाहन जिसमें एक सुरक्षाकर्मी बैठा था उदयपुर नरसिंह के समीप अनियंत्रित होकर पलट गई। सड़क किनारे पलटी पायलट वाहन में ड्राइवर सहित कुल 4 पुलिसकर्मी सवार थे, जिसमें एक सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई है। मृतक का नाम रविशंकर प्रसाद उम्र 55 साल बताई जा रही है। परी नौला के पास में जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई उसमें 4 लोग थे, उनमें से एक लोग तो खत्म हो गया है जी, और जो ड्राइवर था जी उसको भी मतलब कंधों में चोट लगी, उसकी हड्डी खिसक गई है जी, और इनका रामदेव और प्रदीप लोग इनको भी लगा हुआ है, मामूली चोट लगी हुई कमर में जी। मृतक कौन है सर? मृतक हमारा रविशंकर प्रसाद, इसकी उम्र लगभग 55 वर्ष है, वो तो खत्म ऑन स्पॉट ही खत्म हो गया था।